जैन रामायण का एक प्रसंग बहुत अच्छा है। जब राम ने सुग्रीव से पूछा, कभी लंका में सीता है पता लग गया, सारी बात हो गई, अब हमें जाना है, सीता को लाना है और रावण को परास्त करना है, पर सुग्रीव बताओ लंका कितनी दूर है। वो थोड़े में सुग्रीव ने जो कहा और लेखक ने, जैन रामायण के लेखक ने इतना सुंदर लिख दिया। सुग्रीव ने कहा, महाराज आलसियां अलगी घनी उद्यमवंत है यू। बस जो आलसी है उसके लंका बहुत दूर है, और जो उद्यमी है, साहसी है, दृढ़ मनोबली है, दृढ़ निश्चय वाले हैं, उनके लिए लंका ये सामने ही तो है, आपको कहीं जाना ही नहीं, आपको दो पैर पर लंका है। जो दृढ़ निश्चय की बात है वह सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है, पर कम लोग उसको पकड़ पाते, निश्चय नहीं कर पाते, और निश्चय दृढ़ नहीं होता। सुबह किया, दोपहर में बदल गया, दोपहर में तो बहुत बड़ी बात है, बीच में पता नहीं कितनी बार बदल जाता है, दोपहर में किया तो शाम को बदल गया, पता नहीं दिन में कितनी बार आदमी संकल्प करता है, निश्चय करता है और कितनी बार बदल जाता है। अगर 100 बार करता है तो 150 बार बदल जाता है, बड़ा विचित्र होता है। सफलता के लिए आवश्यक है दृढ़ निश्चय, दृढ़ व्यवसाय और दृढ़ संकल्प। मैंने अनुभव किया कि जो कुछ हुआ है उसमें आचार्य तुलसी का दृढ़ संकल्प बहुत कारगर हुआ। उनका जो संकल्प था, एक समय था कि लोग तेरा पंथ को बहुत छोटे स्तर पर चर्चित करते थे, उन शब्दों का उच्चारण करना भी अच्छा नहीं लग रहा, डॉक्टर ग्लाजनप जो जर्मन विद्वान, उन्होंने पुस्तक लिखी जैनिज्म पर, दिल्ली में मिले, बातचीत चली, तो आचार्य वर ने कहा कि आपके गुरु हमारे गुरु से मिले थे, उनके गुरु डॉक्टर हरमन जैकोवी, और हमारे गुरु गुरुदेव ने कहा हमारे गुरु पूज्य कालूगणी, तो पूज्य कालूगणी से लाडलो में मिले थे और 3 दिन साथ रहे थे। तब फिर आगे कहा, आपने जो जैनिज्म पर पुस्तक लिखी है उसमें तेरा पंथ के बारे में 4-5 पंक्ति हैं, ज्यादा नहीं, और वे भी कि तेरा पंथी जो चूहा बिल्ली की चर्चा को लेकर, तो प्रसिद्ध था कि समय तेरा पंथी चूहा बिल्ली की चर्चा। तब आचार्य वर ने कहा, आश्चर्य है कि चूहा बिल्ली, भारत के चूहा बिल्ली आपके जर्मनी में भी पहुंच गए।